नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष पारदर्शी शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध। जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के संपूर्ण तैयारियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डीएम ने प्रभारी सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निर्वाचन में लगे सभी अधिकारी व कार्मिक पूर्ण मनोयोग व सत्यनिष्ठ से करे कर्तव्यों का निर्वहन। जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष शांतिपूर्वक स्वतंत्र एवं सुचारू रूप से सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित प्रभारी अधिकारी सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों से उन्हें निर्देशित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में 1 नगर पालिका परिषद एवं 3 नगर पंचायत है, जिनमें कुल 66 वार्ड, 40 मतदान केंद्र, 140 मतदेय स्थलों पर 173,913 मतदाता मतदान करेंगे। प्रत्येक मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी, 2 मतदान अधिकारी तैनात किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रभारी सहायक प्रभारी अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, नगर निकाय का निर्वाचन भी सभी को टीम व एकता की भावना के साथ यह निर्वाचन भी शांतिपूर्ण संपन्न कराना है। जनपद में 1 नगर पालिका व 3 नगर पंचायतों के लिए सभासद व अध्यक्ष के लिए निर्वाचन कराया जाएगा। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिला निकाय के बूथों का निरीक्षण कर ले। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, अपर जिलाधिकारी एवं राजस्व कुमार बहादुर सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी सहित सभी प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। खबर भारत वर्ष के लिए चित्रकूट यूपी से रमा मिश्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।